तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा 440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खा। ये है लिवर, अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इसमें करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ, ये लिवर घुमाया मैंने और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसे रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना? चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा और कोई और हुआ तो? एक सेकंड, फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो, चीता का ही मैसेज है, कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई, ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन तो लाग रहे को नहीं? पलटो बंधु। हम हैं चलता फिरता थाना, जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा ना, इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले? पढ़ियो गलत है, मैं तो कायम भी को नहीं कियो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो। मैं कायम भी कोनी कियो? नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है, क्योंकि क्या है ना, इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे। देखिए, हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू, देखिए नाम सही बताया उन्होंने, बिल्लू। चुप चुप, आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया, अभी तुम्हारा हो गया, इनको हटाओ, इनको बिठाओ। अरे मैं तो नहीं बैठू चेयर पे, अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूं और मैं ही मारी जो मिसेज मारती पड़ोसन है उनकी बिजली चोरी करूं, और तो और उसका जितना भी बिजली को बिल है नहीं, मैं सब चुका दूं, लो सब भर दूं, लो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले, समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ए बिल्ला, तुम जब इतना धमाकेदार नेचुरल एकदम पावरफुल एक्टिंग करती हो बे। हाँ लौटू, ए बिलौटू, तुम जिंदा तो है ना? क्या परफॉर्मेंस दिया बिलोटा, संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ, सच में करंट किसने चलाया? अरे हाँ हाँ, हम सब कर देंगे, चिंता मत करो, अभी रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी? अरे अरे दादी जी, हम तो आपकी पोती के समान हैं, हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी। हाँ हाँ, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। हाँ, आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती? जब सारा टंटा निपट गया है तो कहे रिपोर्ट रिपोर्ट की सरदर्दी ले। घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो अब काहे की झेझे मोल ले। यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले। जी जी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद।
कैसे हुए? अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसने सब कुछ बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी, मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप मेरी FIR कैंसिल कर दीजिए। अच्छा? हाँ हाँ हाँ, सबकी FIR हम खारिज कर देंगे, आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी FIR वापस लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, हम तो एकदम सहज हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? अब चीते संतोष यहाँ तो नहीं है। हाँ वो नहीं है, हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए जी, अभी अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ, हे भोलेनाथ, मैडम सर का सवाल सुनने के बाद संतू के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और वो सारा भांडा फोड़ देगी। अब आप ही कुछ कीजिए, हम सच में आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। आपने हम लोग को बुलाया मैडम सर? जी, हम आप दोनों से कुछ सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके जवाब आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। क्लियर? क्लियर मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? नो मैडम सर। ये अभी हाल ही में जो कंप्लेंट्स वापस ली जा रही हैं, क्या आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नो मैडम सर। इसका पेट क्यों नहीं दुख रहा? दुखेगा तब ना जब उनको सुनाई देगा। मैडम सर क्या बोल रही हैं, इनको सुनाई नहीं दे रहा है। हम इशारा कर रहे हैं संतू जी को, पर सुन क्यों नहीं पा रही है वो? क्या आपके पेट में दर्द हो रहा है? बिल्कुल नहीं मैडम सर। देखा मैडम सर आपने, हमने कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं जो हम आपसे छुपा रहे हैं। अगर संतू कुछ छुपाती तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता ना। नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नहीं छुपा रहे आपसे। हाँ मैडम सर, नहीं तो अब तक तो संतू जी का फैलाया हुआ सच यहाँ फर्श पर फैला होता और हम लोग मिलकर उसको समेट रहे होते। हमारा भरोसा कीजिए मैडम, संतू जी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही है। हम जरा आए, आते हैं थोड़ी देर में। क्या बोल रही थी मैडम सर? बाप रे बाप, संतू जी आप ना मासूमियत का इमारत है। क्या देखिए पुष्पा जी, इसकी वजह से संतू जी को सवाल सुनाई दिया ही नहीं। सवाल सुनाई दिया ही नहीं तो पेट दर्द हुआ ही नहीं, पेट दर्द हुआ ही नहीं तो सच बोला ही नहीं इन्होंने। क्या बोल रही थी मैडम सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे तुम रोज पहना करो, अच्छी लगती हो तुम। करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय। क्या देख रही हैं आप कंप्लेंट रजिस्टर में? कुछ नहीं, वो बाहर पुष्पा जी बता रही थी कि जितना भी केसेस हमारे थाने में आए हैं वो सब वापस चले गए हैं। सबका समस्या सॉल्व हो गया है तो सारे रिपोर्ट खारिज हो गए हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या जाहिर करें, खुशी या फिर हैरानी। ऊपर ऊपर तो आपको हैरानी जाहिर करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर से आप कितनी खुश हैं ये हम अच्छे से जानते हैं। नहीं, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। आप अच्छे से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये भी जानती हैं कि अचानक से कंप्लेंट रजिस्टर के सारे केसेस सॉल्व कैसे हो गए? आप सीनियर हैं, आप कुछ भी बोल सकती हैं, आपको कौन रोक सकता है। लेकिन एक बात हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैडम सर, कि आपसे अच्छा ये कोई नहीं जानता है कि बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना कितना संगीन जुर्म है। लेकिन आपने अभी जो कहा उसे प्रमाणित करने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत या गवाह है?
इतनी समझदारी की उम्मीद तो हम आपसे रखते हैं करिश्मा सिंह कि आप अपने खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत तो लगने नहीं देंगे, लेकिन हम भी फितरतन जिद्दी हैं। एक बार सच के पीछे पड़ जाएं तो उसके दरवाजे तक पहुंच कर ही दम लेते हैं। अब करिए आपको जो करना है करिश्मा सिंह, हम सच तक पहुंच जाएंगे। समय बर्बाद करेंगे आप, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखते हैं। गुड लक मैडम सर। थैंक यू। जय भोलेनाथ। जब तक ये थाना प्रतियोगिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, हसीना मैडम को दूसरे थाने के बारे में पता ना चले, बस इतनी सी कृपा कर दीजिए। जानते हैं सर जी। सर हाँ हाँ, बस हम थाने में एंटर ही हुए हैं, केबिन की तरफ जा ही रहे हैं, बस हम 10 मिनट में फोन करते हैं। जी सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, हमें DSP सर और IG सर के साथ एक बहुत जरूरी कॉन कॉल करना है और हो सकता है हमें बहुत ज्यादा समय लग जाए। ठीक है, हम अपने केबिन में जा रहे हैं, आप प्लीज बाकी सबको आगाह कर दीजिए कि जब तक हम खुद अपने केबिन से बाहर नहीं आते कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ कुछ नहीं सुना उन्होंने,